यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, बस अपनी दोस्त को थैंक यू कह रहा था। अगर इसे दूसरों का मूड खराब करना आता है तो मूड ठीक भी करना आता है। बड़ी अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। नूर, याद है ना मैंने क्या कहा था? तोड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें? इसीलिए लकड़ियां तोड़ रहे हो? या कहूं लकड़ियों पे गुस्सा निकाल रहे हो? नहीं टूट रही ना? कहना क्या चाहती हो तुम? जानना चाहती हूं इस गुस्से की वजह। तुम मेरे गुस्से की वजह तुम हो और मेरा सारा प्लान बिगाड़ रही हो। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं कि ना सोचूं, और जब जब मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स आती है उसे सोचता हूं कि दबा दूं, लेकिन तुम मेरे लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ा रही हो। आखिर प्लीज हम इस बारे में बात। एग्जैक्टली अपने दिल की बात भी तुमसे नहीं कर सकता, जबकि तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हारे बिना कहे मैं समझ जाता हूं। तुम अजान से प्यार करती हो ये मैंने तुम्हें रियलाइज करा है, लेकिन अब मैं पछता रहा हूं और अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। तुम जब जब मेरे सामने आती हो ना नूर, मैं कमजोर पड़ जाता हूं। तो चले जाओ ना। जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ऐसा। I know, मैं जानता हूं मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, लेकिन नूर ने मुझे समझाया और हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो फिर अजान, दोस्ती बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन दोस्ती मोहब्बत की जगह नहीं ले सकती, ना आपकी जिंदगी में और ना ही नूर की जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हैं और हमने शायरा से भी यही कहा था अजान, और आपको भी बता देते हैं, बिजनेस में ऊंच नीच हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिश्तों में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए अजान। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, दोस्ती में थोड़ा सा फासला होना चाहिए, वरना मोहब्बत बुरा मान जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायरा अच्छे से जानती है कि मेरे और नूर के बीच में क्या है। शायरा मेरा दिल है और नूर मेरी जान। और अगर आपको दिल और जान में से कोई एक चुनना पड़े तो? अम्मी प्लीज, प्लीज ऐसा सवाल मेरे सामने मत रखिए। हम तो माँ हैं बेटा, आपकी बात मान जाएंगे,
और अगर जिंदगी ने आपसे यही सवाल पूछा तो जो भी चुनिएगा सोच समझ के चुनिएगा। अगर इस घर में तुम्हें रहना मुश्किल पड़ रहा है तो चले जाओ, क्योंकि यहाँ रह के तो वैसे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा हो या ना हो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा नूर। और हार? हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। हार शायर और अजान भी नहीं मानेंगे। अभी अजान और शायरा बीच में कहां से आ गए? वो बीच में नहीं आया, लेकिन कोई और उनके बीच में आने की कोशिश कर रहा है। What do you mean? Nothing. मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। तुम्हें अजान और शायरा की बहुत फिक्र होती है ना? हाँ, क्योंकि वो अक्सर झगड़ते रहते हैं। That's it. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? झगड़े से तो और प्यार बढ़ता है। छोटी मोटी नोकझोंक और बड़े झगड़े में फर्क होता है नूर। कभी कभी जिंदगी को सही ट्रैक पे लाने के लिए बड़े झगड़ों की जरूरत होती है। And don't you worry. शायर और अजान अपने झगड़े भी सॉल्व कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स भी। Really? और तुम्हें कैसे पता? नजर रखती हूँ सब पर। नूर को मुझ पे शक हो गया, यही तो मैं चाहता था। दिलरुबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं अजान को घी का तड़का पसंद है, तो आप तेल का तड़का क्यों लगा रहे हैं? हटिए, जाइए दिलरुबा प्लीज। दवाइयां तो देगी मुझे। शायरा, शायरा दिलरुबा ने घी का ही तड़का लगाया था। अच्छा, तो अब वो हमारी चुकी है आपके पास आकर कर। वाह, वेरी गुड, जाइए अजान को ही बता दीजिए, जाइए। शायरा, तुम ऐसे क्यों बिहेव हो? प्लीज हटिए, हमें अजान के लिए खिचड़ी बनानी है, प्लीज। क्या हुआ है शायरा, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? वहाँ अजान भी बात बात पे गुस्से में आ जाता है। आप तो यही चाहती है ना कि अजान हम पर चीखे, चिल्लाए, हम पर हाथ उठाए, है ना? तो मैं सोच भी कैसे सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। नहीं चाहिए, ये अजान और हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अजान हमसे मोहब्बत करते और हम अजान से, उन पे हमारा हक है ना कि आपका, तो हमारे बीच मत पड़िए। जाइए, गेट लॉस्ट, जाइए दूर। आदिल बेटा, बात क्या है? शायरा और नूर दोनों साथ में ही थे, फिर नूर रोते रोते अपने रूम में चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच में कुछ हुआ था, उससे आगे मुझे पता नहीं। I'm sorry, Shaira. I'm sorry. मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, अजान सिर्फ तुम्हारा है और मैं अजान से
पागल हो गए थे रब, मोहब्बत करने के बाद भी उस पे कोई हक नहीं जता सकती, क्योंकि उस पे तो सिर्फ तुम्हारा हक है। लेकिन हाँ, मैं आजाद से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ शायरा। नूर, आजान आपके सबसे पुराने और सबसे अजीज दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती की एक हद होती है। दोस्ती मोहब्बत का हक नहीं छीनती नूर, और आप शायरा का हक छीन रही हैं। याद रखिएगा नूर, शायरा आजान की बीवी है और आप सिर्फ आजान की दोस्त। हमारे सर की कसम खा के कहिए कि आपके दिल में अजान के लिए सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। I'm sorry, बड़ी अम्मी, मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती। मेरे दिल में अजान के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है, मोहब्बत है। इन्वेस्टर्स को मजबूर कर दिया बैक ऑफ करने के लिए, ताकि आपके बिजनेस को मैं अंदर से खोखला कर दूं, और साथ में तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी। सब रिश्ते छीन लूंगा तुझसे आसान। It's too much fun being a bad boy. नूर, अच्छे बढ़िया। तो आप अजान और शायरा का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? ऐसा मैंने कब बोला? मैं हूँ जल्दी पागल, हूँ बहुत बुरी, ऊपर इतनी भी बुरी नहीं हूँ बड़ी अम्मी। पहले जिद की थी, अब मोहब्बत की है बड़ी अम्मी, और मोहब्बत छीनने का नहीं देने का नाम है। और मैं कभी भी शायरा और अजान की मोहब्बत उन लोगों से नहीं छीनूंगी। आप जानबूझकर कुछ करें ना करें नूर, लेकिन आपकी और अजान की नजदीकियां शायरा और अजान के बीच दूरियां ला चुकी हैं। आप अजान से अपनी मोहब्बत छुपा सकती हैं, लेकिन शायरा से नहीं, क्योंकि शायरा एक औरत है और औरत को आंखों की जुबान पढ़ना आता है। तो मैं अपनी आंखों को झूठ बोलना सिखा दूंगी बड़ी अम्मी, लेकिन ना मैं कभी उन दोनों के बीच आई हूँ और ना कभी आऊंगी। अजान और शायरा के बीच की दूरियां मेरी वजह से नहीं बढ़ रही है, इसलिए बढ़ी है क्योंकि शायरा आदल एक दूसरे। परफेक्ट, कौन सा है? इसे कहते हैं तीन निशाने पे लगना। अम्मी, मैं ये नहीं कह रही कि शायरा के दिल में आदिल के लिए कुछ है, लेकिन अजान को ऐसा लगता है। अगर अजान के दिल में ऐसी कोई भी गलतफहमी है नूर, तो वो क्लियर हो सकती है, लेकिन आप जो कर रही हैं, उसका क्या सलूशन है? मोहब्बत कोई बीमारी नहीं है ना बड़ी अम्मी, जो दवा लेके ठीक की जा सके। तो फिर बेहतर होगा नूर के आप इस घर से चली जाए। नहीं नूर, कोई बहाना नहीं चलेगा, और नहीं इस बार आपके सॉरी कह देने से बात बन जाएगी। मैं सॉरी तो कहने भी नहीं वाली थी ना बड़ी अम्मी, क्योंकि सॉरी तो तब कहा जाता है जब कोई गलती की जाती है, और मोहब्बत करना गलती करना नहीं होता। लेकिन एक शादीशुदा आदमी से मोहब्बत करना गलती होती है नूर? वो सिर्फ तब जब मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी बड़ी अम्मी। और आप फिक्र मत कीजिए बड़ी अम्मी,
घर से जाने का फैसला मैं आपसे काफी पहले ही ले चुकी थी। यही बेहतर होगा। मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी शायरा, और अजान की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन उन दोनों की बीच की दूरियों को खत्म करने के बाद शायरा हमें आपसे बात करनी है। मम्मी अगर आपको हमसे ये सवाल पूछना कि अजान हमसे क्यों खफा है, इसलिए हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब ढूंढने से मिलते हैं शायरा। आपने जवाब ढूंढने की कोशिश की शायरा, रिश्ते हो या दूर, बिना कुछ करे ही उलझ जाते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। दिल में अच्छी बुरी जैसी भी बात हो, एक दूसरे से कह देनी चाहिए। अम्मी कैसे बात करें, अजान हमारे सामने आती है एंग्जियस हो जाते हैं, और नूर ने भी हमसे कहा। अजान आपके हैं शायरा, उनसे बात करने के लिए आपको नूर की सलाह की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, आप बस इस वक्त अजान के पास जाइए, उन्हें इस वक्त अपनी बीवी की, अपनी शायरा की जरूरत है। ठीक है अम्मी। इतनी मेहनत से कपड़े तय कर रही थी, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, एक काम नहीं आता इस लड़के को। तू चुप कर, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। परेशान है मतलब कि तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, कि शायरा बीबी और आदिल के बीच में वो चल रहा है। एक कस के तमाचा पड़ेगा ना तो आम पापड़ बन जाएगी। और तुझे कितनी बार कहा है, जो मामला जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा हो। तो तू खा मेरी कसम कि तुझे भी शक नहीं हुआ, जब भी हम दोनों के आसपास होते हैं ना कुछ अजीबोगरीब होता ही रहता है। उस दिन भी कॉरिडोर में आदिल मियां शायरा बाजी को आई लव यू कह रहे थे। हर बार जब भी हम उन्हें देखते हैं कोई ना कोई नई चीज देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। शायद इसलिए कि वो तुम्हें दिखाई जा रही हो। कल हॉस्पिटल में भी आदिल शायरा को फूल दे रहा था, क्या पता वो मुझे दिखाना चाहता। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो आदिल और शायरा दोनों ही हॉस्पिटल में नहीं थे। तो शायरा ने कहा वो दरगाह गई हुई थी, तो ये शायरा सच बोल रही होगी ना कि वो दरगाह गई हुई थी। मतलब आपको भी लग रहा है कि शायद आदिल और शायरा के बीच कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आदिल रियल लाइफ में कोई फिल्म बना रहा है और हम गधों की तरह देखे जा रहे हैं।